17 मई 1902, आर्कियोलॉजिस्ट वेलेरियस स्टेज ने ग्रीक आइलैंड एंटीकिथेरा के किनारे गोता लगाया, जहां उन्हें एक 2000 साल पुराने जहाज का मलबा मिला। ये एक रोमन व्यापारिक जहाज था जिसमें कई तरह के खजाने, शराब के भंडार और कई सुंदर कलाकृतियां लदे थे जिन्हें रोमन्स ग्रीक से छीनकर ले जा रहे थे। इस जहाज में गोताखोरों को जो मिला था वो महान प्राचीन काल के थे, लेकिन गोताखोरों को इन सब के अलावा भी लकड़ी के बंद बक्से में एक ऐसी चीज मिली थी जिसे इतिहासकारों ने कभी नहीं देखा था। एक ऐसा यंत्र जिसने प्राचीन इतिहास के हमारे समझ को पलट कर रख दिया। ये एक कांसे यानी ब्रोंज का बना हुआ छोटा सा यंत्र था जिसका नाम एंटीकिथेरा मैकेनिज्म रखा गया, और आर्कियोलॉजिस्ट के अनुसार ये 2000 साल पुराना था। परंतु इसमें ऐसा क्या खास बात थी जो मैं आपको इसके बारे में बता रहा हूँ? वेल, ये एक मशीन था जिसमें कई सारे गियर्स और स्विचेस लगे हुए थे, और इसे आज से करीब 2100 साल पहले किसी अननोन ग्रीक साइंटिस्ट ने बनाया था। 2100 यानी 2100 साल पहले। इसके बारे में जानने के बाद वैज्ञानिकों के होश उड़ गए। वे ये जानने की कोशिश में लग गए कि आखिर ये कहाँ से आया था, इसे किसने बनाया था, ये कैसे काम करता है और आखिर ये करता क्या था। करीब 100 सालों तक पूरे विश्व के वैज्ञानिकों ने इसकी पढ़ाई की, लेकिन कोई भी इसके नतीजे तक नहीं पहुंच पाया। और पिछले 100 सालों तक इसे ग्रीस की राजधानी एथेंस के एक नेशनल म्यूजियम में सजा कर रख दिया गया। इसका रहस्य एक रहस्य बनकर रह गया। परंतु हाल ही में, आज से करीब 20 साल पहले तक, हम इतने आधुनिक बन चुके थे कि हम इस अज्ञात यंत्र के पीछे के रहस्य को सुलझा सके। पूरे विश्व के अलग अलग फील्ड्स के एक्सपर्ट्स, इंजीनियरिंग, आर्कियोलॉजी और विज्ञान के और भी विभिन्न क्षेत्रों से एक्सपर्ट्स ने साथ में मिलकर एक बार फिर से इस यंत्र की गहराई से पढ़ाई करने में लग गए। लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम थी। इस मशीन के इतने प्राचीन होने की वजह से इसे लिटरली अलग अलग भागों में खोला नहीं जा सकता था। इस कारण इसके अंदर देखने के लिए वैज्ञानिकों को एक खास तरह से बनाए गए एक्सरे मशीन की जरूरत थी, और उस समय ऐसा एकमात्र एक्सरे मशीन इंग्लैंड में था, जो कि इस प्राचीन मशीन जो कि एथेंस में थी से काफ़ी दूर था, और इस मशीन को वहां तक सही सलामत ले जाना संभव नहीं था। इसलिए उस भारी भरकम एक्सरे मशीन को ऑल द वे शिप करके एथेंस तक लाया गया, जहां इस मैकेनिज्म का आसानी से और सुरक्षित रूप से एक्सरे निकाला गया। इसके अंदर जो डिटेल्स छिपी थी उसने प्रत्येक प्राचीन इतिहासकारों के होश उड़ा दिए, क्योंकि उस मशीन के अंदर जिस टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया था वो आज से 2000 साल पहले बनाना संभव ही नहीं था। इस मशीन के अंदर कुल 47 अलग अलग आकार के गियर्स लगे थे। प्रत्येक गियर एकदम सटीक ढंग से बनाया हुआ था और पूरी बारीकी से एकदम सही जगह पर फिट किया गया था। ये मशीन कुछ और नहीं बल्कि इस दुनिया की सबसे पहली कंप्यूटर थी। जी हाँ, ये आज से 2000 साल पहले बनाई गई कंप्यूटर थी, यानी गुटनबर्ग के प्रिंटिंग प्रेस के आविष्कार होने से भी करीब 1500 साल पहले की। जिसने भी इसे बनाया था वो अपने समय से बहुत ही आधुनिक था। ये एंटीकिथेरा मैकेनिज्म मून कैलेंडर को दिखाती थी, यानी एक ऐसा कैलेंडर जो हमारे चांद के ऊपर आधारित है। इसके साथ ही इसके द्वारा सोलर इक्लिप्स को भी प्रिडिक्ट किया जाता था, वो भी एग्जैक्ट टाइम और डेट के साथ। ये मशीन अपने समय से बहुत